हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ आई डैंड्रफ से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा। और थैंक यू सो मच गाइस कि आपने मेरी पहले वाली वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद किया, बहुत ज्यादा प्यार दिया। आप सभी लोगों को वो वीडियो बहुत पसंद आई थी। तो जो भी मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी से न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और गाइस, जो भी आज मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आपने वो फर्स्ट पार्ट आई डैंड्रफ का अगर नहीं देखा, तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हैं। और आज की वीडियो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो प्लीज वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी। तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं बच्चों का शैम्पू यानी कि बेबी शैम्पूज की। शिशुओं के इस्तेमाल करने वाले शैम्पू का इस्तेमाल करें। इसे ईयरबड के जरिए बहों और पलकों में लगाएं। आहिस्ता आहिस्ता पलकों को साफ करें। और बहों की सफाई के दौरान ज्यादा सावधानी की आवश्यकता नहीं होती, वहां से आपकी आंखों में प्रोडक्ट नहीं जाता है। लेकिन पलकों की सफाई के दौरान सावधान रहें। ऐसा नियमित 4 से 5 बार प्रतिदिन करें, ताकि पलकों और बहों में हुए डैंड्रफ से जल्द छुटकारा मिल सके और इससे आपके डैंड्रफ जल्दी ठीक हो जाएंगे। कि बादाम तेल से मसाज करें, क्योंकि डैंड्रफ के कारण बोहें और पलके जो होती है वो सूखने लगती हैं। यही नहीं, उनकी चमक भी खत्म हो जाती है। ऐसे में यदि इन्हें मसाज किया जाए तो ये बेहतर होगा। मसाज के लिए बादाम के तेल का इस्तेमाल करें। मसाज से सूखापन तो खत्म होता ही है, बोहें और पलकों की सेहत भी अच्छी होती है। और यही नहीं, उन्हें उगने में भी मदद मिलती है, क्योंकि बादाम के तेल से अगर आप मसाज करते हैं अपने बोहों और पलकों की, तो इससे वहाँ की ग्रोथ अच्छी होती है बालों की, और आपकी पलके भी लंबी और घनी बनती हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको डैंड्रफ होने की स्थिति में ही आपको मसाज करनी है। आप नॉर्मली भी अपने पलकों और बहों की जो होती है बादाम तेल से मसाज कर सकते हैं, जो कि हमारी बहों और पलकों के लिए अच्छी होती है। अब यहाँ पर बात करते हैं ड्रग स्टोर के साबुन की। पलकों और बहों में हुए डैंड्रफ से पार पाने के लिए आपको ड्रग स्टोर से साबुन ले सकते हैं। ध्यान रखें कि एक ऐसा साबुन लें जिसमें चाय पत्ती के पेड़ का तेल और पायरेथिन जिंक हो। ऐसे साबुन यीस्ट रोगाणुओं से लड़ने में मदद करते हैं, जो कि पलकों और बहों में डैंड्रफ की वजह होते हैं। खैर, इस बात का ध्यान भी रखें कि इस साबुन का झाग आपकी आंखों में ना जाए, ये आंखों के लिए खतरनाक हो सकता है। बेहतर होगा यदि आप साबुन को पानी में घोलकर हल्का मिश्रण बना लें, ताकि आंखों में जाने पर भी ये किसी तरह का नुकसान ना कर सके। और साथ ही साथ मैं आपको एक और टिप देना चाहूंगी गाइस, कि आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। आपको हेल्दी डाइट लेनी है। जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं अपने मील में शामिल कीजिए, और जितने भी मौसमी फल होते हैं वो जरूर खाइए, क्योंकि इससे भी हमारी सेहत अच्छी होती है और आपको पलकों की डैंड्रफ से भी छुटकारा मिलता है। दूध हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए दूध को अपने मील में जरूर शामिल करें। जब भी आप रात में सोते हैं तो रात को हल्का गुनगुना दूध पीकर सोएं। इससे आपको गहरी नींद आएगी और अच्छी नींद आएगी, और इससे भी आपकी पलकों का जो डैंड्रफ है वो कम होगा। आप कभी भी देर रात तक ना जागें, और ना ही देर रात तक आपको लैपटॉप पे काम करना है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी आंखों में डैंड्रफ भी हो सकता है और आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम्स हो सकती है, फाइन लाइंस और रिंकल्स हो सकते हैं, जो कि हमारी सेहत के साथ साथ हमारे चेहरे को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। देर रात तक कोई भी गैजेट ना चलाएं, और अंधेरे कमरे में कभी भी मोबाइल में या लैपटॉप पे काम ना करें। तो हमेशा कोशिश कीजिए, जब भी आप कोई मोबाइल या लैपटॉप पे काम करते हैं तो आपको हमेशा रोशनी में ही करना है, आपको अंधेरे में काम नहीं करना है। और हमेशा वक्त पर सोइए और वक्त पर उठिए, क्योंकि इससे भी हमारी सेहत अच्छी होती है और पलकों और बहों का डैंड्रफ भी कम होता है। तो गाइस, देखा आपने कितनी अमेजिंग थी आज की वीडियो, और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल भी हो। आई होप कि आपके लिए आज की वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही हो, और हेल्पफुल लगे तो प्लीज इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और गाइस, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। और गाइस, और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहूंगी। तो मैं मिलती हूँ और भी अमेजिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।